कोई नहीं अंजना हो जाएगी तो ठीक। एक डॉक्टर से तो चेक हो गया, अब दूसरे डॉक्टर पे जा रहे हैं। अब बेचारी से उतरा भी नहीं जा रहा है। था भाई खतरनाक वाला सैचुरेशन पॉइंट था, ऐसा लग जैसे घर छोड़ के जा रहे हैं। कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस हमारे सारे गेस्ट चले गए वापस, और यार थोड़ा से प्रॉब्लम हो गई है कि अंजना की तबीयत ना एक दो दिन से बहुत खराब चल रही है। तो मेरे को पहले लगा था कि शायद ठीक हो जाएगी, बट वो ठीक ही नहीं हो रही, तो इस करके मैंने आज वर्क फ्रॉम होम लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं अंजना का चेकअप करवाने, तो जाके देखते जरा यार क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को चेक करवाना, डायग्नोज करवाना बहुत जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हमारे सीवी भाई तो बेचारे सैड होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अंजना भी तैयार है बस निकलने के लिए। हाँ जी अंजू, हाउ इज योर हेल्थ? नॉट गुड। चल कोई नहीं अंजना, अभी चलते हैं डायग्नोस करवाते हैं। बारिश हो गई, हड्डी है लग रहा है उनको, मन तो कर देगी। कोशिश करो बात करने की, अभी तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हड्डी ना गिल्ली है पूरी। रात गाड़ी साफ करने वाला तो आया था, बट उसके बाद बारिश हुई है। तो सुबह सुबह तो मेरे को ऐसा कोई फील नहीं था कि भाई बारिश होगी, बट फिर मैंने ध्यान से देखा कि हाँ जी बारिश होके हटी है। बाकी अंजना ने ना कुछ खाया पिया भी नहीं है, कल दो दिन से नहीं खाया ना अंजना? कल सुबह तो खाया था, कल सुबह खाया तो उसके बाद तो कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया तूने। और अब मेरे को यार फिर लगा कि यार, क्योंकि बोलेगा इसके गले में बहुत देर से दर्द चल रही है। पहले मेरे को लगा था कि ठंडा पानी पीती है अंजना, इस वजह से हुई होगी दर्द, पर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, क्यों मौसम भी चेंज हो रहा है, वायरल जैसा भी फैल रहा है, तो उस वजह से मेरे को लगता है कि शायद अंजना को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। बट एनी वे इसको डायग्नोज करवाते हैं। यहाँ कौन से हॉस्पिटल चले? डॉक्टर्स VIP रोड, हाँ वहीं चलते हैं। चल कोई नहीं अंजना हो जाएगी तो ठीक, विश्वास रख। यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ ना सूखी हुई है, और मेरी गाड़ी देखो पीछे से इसका शीशा गिल्ला है। अभी हम यहाँ से जाएंगे VIP रोड, और पहले डॉक्टर स्क्वायर देख लेते हैं, अगर वहाँ नहीं हुआ तो MKR चलेगी, ठीक नहीं है? यहाँ तो भाई मोटा ही रश है यहाँ तो। गाइस पार्किंग मिल गई है मुझे, अब चलते हैं चेकअप करवाते हैं, देखते जरा डॉक्टर क्या बोलता है। चल अंजू। एक डॉक्टर से तो चेक हो गया, अब दूसरे डॉक्टर पे जा रहे हैं। ब्लड गैस एनालाइजर ओपन, हेड वार्मर, अब मेडिसिन ले गया मैं यहाँ से। तो भाई फाइनली चेकअप हो गया अंजना का, डॉक्टर ने बोला कि 3-4 दिन रेस्ट करे और कहीं बाहर ना जाए। ऐसे तो हमारा कहीं प्लान है नहीं बाहर जाने का, पर एक दो दिन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस वजह से रहना घर पर ही पड़ेगा। क्या है वो आपको ब्लॉग के आगे आगे पता चलेगा। जो बस ये अंजना उस जो चीज़ होनी है हमारे घर पे उससे पहले ठीक हो जाए, भगवान से ही हुआ है। वैसे तो भाई डॉक्टर ने ये बोला अंजना को कि भाई रेस्ट करे, इसको वायरल हो गया है, और वायरल ऐसा होता है कि एक बार शुरू होता है तो फिर इसका अंत नहीं है अगर आप टाइम से दवाइयाँ ना लो। अवॉइड करना है ठंडा पानी, ठीक है, और अपना ध्यान रखना है। बाकी कुछ दवाइयाँ लिखी है, उन दवाइयों को खा के शायद अंजना जल्दी ठीक हो जाएगी। फीवर वगैरह बॉडी एक है इसको, डॉक्टर ने अभी बोला कि 3 दिन की दवाइयाँ खाओ, अगर आपको उसके बाद फर्क नहीं दिखता तो आप ज़रूर चेकअप करवाने आए। तो लेट्स सी क्या बनता है, चलते हैं घर, फिर इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। और तो नहीं कोई काम ना? नहीं। पक्का? बेचारी अंजना यार, जब ना अंजना बीमार हो जाती है ना तो मैं भी थोड़ा सैड हो जाता हूँ, क्योंकि अंजना हमारे घर की जान है यार। तो गाइस रोड की ये हालत हो गई है जीरकपुर में, तो इस वजह से मुझे यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। देखो आप, ओए गिरी तो नहीं दवाई नीचे? अंजना को पता नहीं चल रहा, मेरे को पूरा आवाज आई ना एकदम से, मेरा कुछ तो गिरा है। बाकी गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो इस करके यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है गणेश भगवान जी की। इस सितंबर के मंथ में देख लो आप कितने सारे त्योहार है, कुछ तो हो भी गए अगर आप देख सकते हो। जन्माष्टमी होगी अपनी, अब गणेश चतुर्थी आनी है, ईद है, तो मतलब ना बहुत सारे इवेंट्स है सितंबर में। और सितंबर में 5 डेज की छुट्टियाँ भी बन रही थी, बट हमें ईद की छुट्टी है नहीं,
ऑफिस में। अब बेचारी से उतरा भी नहीं जा रहा है। कोई नहीं, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा यार इसका। वीकनेस आ गई है ना इस वजह से। चश्मा भी चेंज करना। अच्छा भाई याद आ गया, दे दे मेरे को, दे दे भाई, आ जान जो। थोड़ा सा हिम्मत तो करनी पड़ेगी बेटा। मैं चश्मा चेंज करना, रुक जा दो मिनट। सेवू, सेवी कहाँ गया? सेवी उधर पल्ली साइड तो नहीं? अंजू, सेवी, सेवी, सेवी यार। अच्छा तू छुपा रहता है आजकल यार। बढ़िया सा है तूने पकड़ा हुआ है कोना साल। ये आ गए ना जल्दी, देखा। चल अंजना तू ना रेस्ट कर, चेंज चूंज कर। मैं भी थोड़ा चेंज करता हूँ और फिर अंजना को दवाई देते हैं यार। थोड़ा सा टेक केयर मेरे को ही करना पड़ेगा अब इस टाइम पे। पार्टनर ही पार्टनर के काम आता है, इसलिए बोलते हैं कि लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, है ना शिवू? बेचारा। तो गाइज मैंने गर्म कर लिया अंजना के लिए राजमा चावल। तो कल मैं उज्ज्वल के घर गया था डिनर करने, तो वहाँ से ही अंजना के लिए मैं लेके आया था। तो अभी के लिए अंजना ये खा दूँ थोड़ा सा, फिर ठीक है ना? ले। चल कोई नहीं यार, भगवान भी माफ करेगा, ठीक है ना? बाकी अब अंजना इसको खाएगी फिर इसको। हाँ तो इसमें निकाल लेना अपने लिए जितना चाहिए, जितना खाया जाता है तभी मैं लेके आया हूँ। मैं खिला देता हूँ अंजना को यार, बेचारी से ना खाया भी नहीं जा रहा है। नहीं खा पाएगी तुम वो, पता ही नहीं ना। तो गाइस सुबह से शाम हो गई है, अंजना तो रेस्ट ही कर रही है। जब से उसको मैंने खाना खिलाया, दवाई खिलाई है, मैं अपना ऑफिस लगा रहा था, अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ मैं। और अभी मैं देखता हूँ कि सेवी अंजना के पास जाके ना गंड बोचू क्या कर रहा है यहाँ पे अंजू के पास। मैं सेवी को घुमा के आता हूँ, फिर डिनर का कुछ देखना पड़ेगा मुझे ही आज। तो लेट्स सी क्या बनाता हूँ मैं। चलो जी चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो सेवी। घुमाता हूँ यार इसको ना, इसने भी सुस्ती डाल के रखी हुई है बेफालतू भी। मैं तो भाई सुस्ती डालने की जरूरत नहीं है। चल रन 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 रन, मिशन अकम्प्लिश्ड फाइनली। अब ऊपर चलते हैं, अंजना को थोड़ा सा खाना भी नहीं देते, चाय चीज बनाता हूँ उसके लिए, और उठा भी देते क्योंकि संध्या टाइम उठ जाना चाहिए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि अभी भी है गर्मी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी जो है वो पीता हूँ और अपने लिए थोड़ा सा सैलेड काटता हूँ, फिर डिनर का भी देखते हैं कि क्या बना सकते हैं अंजना के लिए। सबसे पहले तो मैं ये दो काम निपटाता हूँ, फिर तीसरा काम मेरा है पूजा करना, उसके बाद मैं पूजा भी कर लूँगा। अभी मैंने चेक करा कि भाई जो मैंने आपको प्रोसेस बताया 1 और 2, उसके साथ एक और प्रोसेस जुड़ गया है जो 1 पे होना चाहिए, वो है ये बर्तन। तो पहले ये बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो पहले बर्तन धोते हैं। तो गाइस पूजा अपनी हो गई है, अब वो चेंज इन प्लान। यहाँ पे बन रही मेरी सीक्रेट रेसिपी। अंजना का मन कर रहा है दूध पीने का, तो दूध और ब्रेड खाएगी ना, थोड़ा सा इसको एनर्जी भी मिलेगी। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, चीनी डाल देंगे मैडम, टेंशन नहीं। और कुछ और तो नहीं ना, बॉर्नविटा नहीं डालना? तो फिर देखा याद नहीं था इसको, मैंने हद लाया। तो कोई नहीं, इसका दूध बनाते हैं, इसको देते हैं दूध। बाकी गाइस अब कल करता है ब्लॉग कंटिन्यू। अभी मेरे को ना बहुत सारे काम करने होंगे, डिनर भी बनाना होगा और साथ में फिर बर्तन धोने होंगे, जैसे आपने भी देखा कि बर्तन धो के हटाऊं। तो कल करते हैं कंटिन्यू, कल मेरे को मेरा ऑफिस भी, ऑफिस के बाद करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को। तो टिल देन बाय बाय। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में मैं ऑफिस जा रहा हूँ अभी सुबह सुबह तैयार होके। पहले के मुकाबले थोड़ी सी बेटर हुई अंजना की तबीयत और आज मौसम बहुत ही सुहाना है और हल्की हल्की आप देख सकते हो बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो मतलब मैं बस निकल ही रहा हूँ, टाइम दिखाऊँ तो ये देखो 8:02। तो सुबह सुबह 8 बजे ही आज पूरा बारिश का माहौल है। तो चलते हैं ऑफिस की तरफ, बाकी आज शाम को बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम भी है करने को हमें। अब तो किसी भी टाइम पे ना बारिश बहुत तेज होने वाली है। बादल देखो एक बार, इसको मैं साफ करता हूँ, आप देखो। ओ माई गॉड, यहाँ पे तो और भी तेज हो गई है बारिश। ये देखो बिजली कड़क रही है। ओ भाई ऐसी बारिश में कैसे जाऊं मैं? मैंने बोला था ना गाइस आपको कि थोड़ा सा आगे जाएंगे ना हम, कैसी वैसी भयंकर बारिश शुरू हो जाएगी। और ये देखो हाल, आप रुकने का अब नाम नहीं लेगी बारिश।
भाई ये तो ठीक है, पर ये जो एक्टिवा वगैरह में जा रहे बेचारे, ये लोग कैसे पहुंचेंगे? मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि इतनी भयंकर बारिश है ना, गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा फील हो रही है, तो सोचो एक्टिवा वगैरह चला रहा होगा तो उसको तो कुछ भी दिख रहा होगा यार, मतलब मैं सच बोलो। ये देखो आप, हाँ भाई खतरनाक वाला सैचुरेशन पॉइंट था भाई, इंटेंसिटी ऑफ हवा देखो आप, और बारिश भी मतलब ना फुल पावर पड़ रही है, ये आपको इधर इसलिए नहीं फील हो रहा, रुको अभी देखो, अब देखो आप, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो मेरा वाइपर चला हुआ था तो इस करके लग रहा था आपको बहुत क्लियर है, बट आप हवा ही देखो, इधर देखो भाई नेक्स्ट लेवल हवा चल रही है यार बाहर, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, इतनी तेज़ बारिश तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी, अगर मैं ऑफिस के अंदर भी पहुँच जाता तो भी ठीक था, बट इस हिसाब से तो ऑफिस भी लेट खुलेगा, अब लेट्स सी यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी तो लाइट ही है तो वैसे ऑफिस लेट ही खुलेगा, क्योंकि देखो 8:22 ही हुए है तो अपने पास अभी है टाइम, यहाँ पे तो सूखा ही है पूरा बेस्टेक के पास अगर ध्यान से देखो ना, तो गाड़ी मेरी पार्किंग में लगा दी है मैंने, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मेरे को लगा था काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होगी, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसमें मैं पहुँच जाऊँगा ऑफिस, तो ऑफिस के बाहर तक तो पहुँचते हैं, बाकी डायरेक्टली छुट्टी पे मिलता हूँ आपसे। तो भाई जस्ट ऑफिस से फ्री हुआ हूँ मैं, और आज तो भाई बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे आए हैं हमारे ऑनरेबल CM भगवत मान जी और साथ में केजरीवाल जी, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत रश है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ज़रूर। ये देखो गाइस रोड के दोनों साइड गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, फुल पावर भरी हुई है गाड़ियाँ, ट्रैफिक यहीं से शुरू हो गया है, तो लेट्स सी कैसा रहता है, अभी घर चलते हैं, घर चल के अंजना की तबीयत का भी अपडेट लेते हैं। घर पहुंच गया था मैं, उसके बाद मैंने चेंज चूंज किया, थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर सेवी को भी घुमाया, पूजा करी, सारे काम निपटा दिए, अब हमें और भी बहुत सारे काम है, तो उससे पहले अंजना की तबीयत का अपडेट भी ले लेते हैं। हाँ जी कैसे हो अब? गले में तो नहीं है अब दर्द, पर कोल्ड और हेडेक अभी भी है, आज मैं पूरा दिन सोई थी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब अच्छा अभी भी है मतलब ना थोड़ा बहुत तो, बट अभी मैं उठ गई हूँ, क्योंकि पर ये है कि पहले के मुकाबले काफी रिकवर्ड है, एटलीस्ट घूम फिर तो पा रही है, कोल्ड और कफ तो निकल जाएगा धीरे धीरे, अभी उठना पड़ा क्योंकि बहुत जरूरी काम है, मेरे को ध्रुव पे विश्वास नहीं है कि वो अच्छे से करवाएगा, वैसे तो पापा पे है पर ध्रुव पे नहीं है, बट नहीं ध्रुव ने मेरी बहुत सेवा करी है, कल भगवान कल इसने मेरे को उठने नहीं दिया, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ मुंह के आगे ऐसे लाया है। ये क्या कहना चाह रही है तो कि रोज ऐसा ही होए? नहीं ऐसा ना हो। अंजना ना अभी बीमार हो गई ना, और हमारे घर पे बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होने वाली है आने वाले दिनों में, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो दिन हो गए मैं बेड पे पड़ी थी ऐसे सो के। चलो यार एटलीस्ट ना मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है। आप भी कंपैरिजन कर पा रहे होगे, जो पिछले कल अंजना की हालत थी और अब की हालत, काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मेरे को। बट आजकल ना मैं सुनने में कि सबको वायरल हो रहा है, वायरल तो सबको हो रहा है यार, ध्यान रखे अपना, मेरे को पता नहीं कैसे हो गया, अभी मैं कैसे बीमार होगी मुझे खुद भी समझ नहीं आया। आई थिंक मेरे को जो लगता है वो ये है कि मैंने ना फ्रिज का पानी डायरेक्ट पी लिया, उसको मिक्स करके पिए, शायद उसकी वजह से ही मैं बीमार हो गई हूँ, वही रीजन हो सकता है, बाकी का मैंने कुछ खाया नहीं था, इवन इतने सारे गेस्ट थे भी हम घर पे ही खाना बना रहे थे और घर पे ही खा रहे थे, तो शायद मेरे को लगता है यही रीजन हो सकता है। और आजकल ना गाइस एक चीज जरूरी है, ध्रुव बिना एसी के सो रहे हैं। हाँ अंजना की वजह से मेरे को बिना एसी के सोना पड़ रहा है, पर कोई नहीं यार, अपने पार्टनर एकदम सही रहना चाहिए, क्यों जी बीमार नहीं रहना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। वाह जी वाह, पापा भी आ गए, मतलब हम इन्हीं को याद कर रहे थे, और देख तू टमाटर इतने सारे, अच्छा हाँ जरूरत पड़ सकती है, वैसे हम अंदर पड़े हैं ऐसे आधा किलो टमाटर, 50 रुपए के 2 किलो टमाटर है, क्या बात है, तगड़ी ऑफर लेके आया है यार, पता नहीं ऑनलाइन जो मैं ब्लिंकिट वगैरह से मंगाता हूँ ना वो बड़े महंगे है, वो है कि भाई 60 रुपए का किलो, उसकी पैकिंग गिरी हुई है, ओहो कोई नहीं ऑनलाइन मंगाता हूँ मैं, खाना नहीं दिया था इसको, मैंने तो दिया था लेकिन अब खत्म हो गया, अभी के लिए नहीं होगी ना, अभी का तो पड़ा एक पैकेट, अभी का है, अभी कबर्ड देख रहे थे मेरी, तो पापा का लोअर साइड अंजना ने मेरे कबर्ड में रख लिया, और जैसे ही मेरी कबर्ड खुली मैं बोल रहा कि मेरे को अपने कपड़े नहीं मिलते, फॉलोअर कहाँ मिलते, मान लो तो सी
ये ध्रुव की गलती है, सुबह कपड़े ऐसे 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 चिपचिपा करके निकालता है। चल फिर अपना काम निपटा देते फिर तो बेस्ट हो गया। पापा आ गए तो अब हमें क्या काम करना है वो मैं बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हैंडल इसका लगा रहे हैं, इसका हैंडल टूट गया था। बाकी फिर इस रूम को पूरा खाली करना है, सारा बेड हो गया अपना, ये अलमीरा हो गई, ये सारी मशीन वगैरह पूरी खाली करनी है, तो वो अब हम काम करेंगे। अब गद्दे वगैरह तो हमने सारे बाहर रख दिए, अब ये जो है अपना बेड को डिसमेंटल करा जाएगा ताकि ये सारा बाहर आ जाए। बाकी पूरा यहाँ सामान खाली हो गया, बस ये अलमीरा हमने निकालनी है। छोटा छोटा कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि ऐसा ना हो कि एक पे बर्डन बढ़ जाए। तो ये टेक्निक है भाई इसको खिसकाने की, इसको हम ऐसे ऊपर कर दे ताकि नीचे निशान ना पड़े। ये देखो ये लगा डाल दो उसमें, बस दैट्स इट, जोड़ लगा के आयशा। हमें को नहीं दोबारा नहाना पड़े, मैंने गलती करी ना ऐसे नहा के। तो हमने अलमारी यहाँ पे सेट कर दी है, और भाई पसीने देखो इतनी देर में ना पूरा गिल्ला हो जाता है बंदा, ऐसा लग जैसे घर छोड़ के जा रहे हैं। हमें ये चीज करनी बहुत जरूरी है, इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो गाइस बेड तो हम बाहर ले आए हैं, तो जब तक पापा ने सेट करना है मैं सोच रहा हूँ कि अंदर वैक्यूम मार लेते हैं ताकि जितनी भी गंदगी है सारी क्लियर आउट हो जाए। लेट्स डू इट। तो गाइज ये रूम मैंने पूरा साफ कर दिया है, नाउ इट्स फुली क्लीन, और मेरा हाल देखो पसीने से पूरा बुरा हाल हो गया है, मतलब पूछो मत, इतनी गर्मी लगती है ना मेरे को, इतनी मैं नहा के आया था, अब देखो पसीने से नहा गया हूँ। बाकी अंजना बेचारी यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही है साइड बाई साइड, ताकि सब मिल बांट के काम करे तो जल्दी हो जाए। बस अब हो गया है वैसे ऑलमोस्ट सेट, बेड आ गया है, बाकी तो और रूम्स में हमें सेट करना है। हाँ पोछा मारना पड़ेगा, वैक्यूम वगैरह हो गया है और कितना खाली हो गया ना, सब कुछ सेटल डाउन हो गया। ये तो वैक्यूम है, इसको तो हम बाहर रख देंगे। बाकी गाइस घर में बहुत ही तगड़ा एक मतलब प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हमारे बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। बाकी इतना हिंट काफी है क्या, मतलब अब लगातार इवेंट आने वाले हैं, अभी ये हो गया, काफी चीजें आने वाली है, और जो ये है ये भी शादी से रिलेटेड है। हाँ, ये शादी से रिलेटेड ही है जो भी हम कर रहे हैं, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। बस ये हमारी तैयारी थी, अभी और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग भी एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट भी करना होगा, अपलोड भी करना होगा, थंबनेल भी बनाना होगा, बहुत सारे काम है, और घर के तो है ही इतने सारे काम। तो गाइस करता हूँ मैं ब्लॉग एंड, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।